नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू कंट्रोल कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये एक पीपीटी है शेरिल शाह चू की, तुम भी डाउनलोड कर सकते हो स्लाइड शेयर से। तो इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज फॉर ऑटोमोबाइल्स, इमिशन ऑफ मैनी एयर पोल्यूटेंट। पहली बात तो ये है कि जो आपके व्हीकल्स हैं उसमें फ्यूल जो है वो बर्न होता है और उससे पोल्यूटेंट निकलते ही निकलते हैं। ठीक है, और सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं लगभग, हाइड्रोकार्बन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फेट ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लिस्ट गिवन है सामने स्लाइड में। अच्छा, स्लाइड दिखाई नहीं दे रही होगी ना अभी, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट स्लाइड ही है। तो इमिशन ऑफ मैनी एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बोनियस फ्यूल, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है फ्यूल का आपके ऑटोमोबाइल से, वही रीज़न होता है आपका इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट। हैज़ बीन शोन टू वेराइटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो पता ही है आपको, जो पोल्यूटेंट है वो पब्लिक हेल्थ एज वेल एज जो इन्वायरमेंट है उसको भी इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इमिशंस कंट्रोल कवर ऑल टेक्नोलॉजी जस्ट एम्प्लॉय टू रिड्यूस द एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग इमिशंस प्रोड्यूस बाई ऑटोमोबाइल्स। जो आपके ऑटोमोबाइल से पोल्यूटेंट हैं वो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे पोल्यूटेंट है जो आपके ऑटोमोबाइल से इमिशन होते हैं। तो इनको जो कंट्रोल करने की टेक्निक है, वो सारी टेक्निक यूज़ हो जाती है आपके किसमें, ऑटोमोबाइल से। तो एक इमेज आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल में से, कि इवेपोरेट भी होता है पोल्यूशन इंजन से और रिफ्यूलिंग लॉस भी होता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट इमिशन भी होता है। तो अब कैसे हम किसी व्हीकल्स को, एक तो सिंपल सा तरीका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरे तरीके क्या हैं कि हम कम से कम पोल्यूशन उसमें से एमिट हो किसी फ्यूल व्हीकल में से। फ्यूल में हो सकता है आपका डीजल, पेट्रोल, फिर कोई अदर फ्यूल। तो जो जो आपका जो इसका स्टैंडर्ड्स है कि व्हीकल्स में से कितना कितना, मतलब कि कितना उसकी कंसंट्रेशन जो है पोल्यूटेंट की कितना लिमिटेड है, इससे ज़्यादा निकलेगा तो व्हीकल फिर पोल्यूशन ज़्यादा करने वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं BS, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, BS, और ये सेम एज ए यूरो बेस्ड स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, BS का मतलब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो इमिशन स्टैंडर्ड आर इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स बेस्ड ऑन यूरोपियन रेगुलेशन यूरो। द BS फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2000। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना, एक तो ये कि BS का मतलब होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, एक ये कि ये क्या कहते हैं यूरो जो स्टैंडर्ड है उससे मिलता है, और इसको जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 2000 में किया हुआ था। सम अदर रेगुलेशन वर देयर फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ एक टेबल बन रही है और एक आपका चार्ट बन रहा है, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है टेबल में, प्रिस्क्राइब लिमिट्स स्टैंडर्ड दिए हुए हैं BS 1, 2, 3, 4। जितना ज़्यादा BS है की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ही कम पोल्यूशन निकल रहा है उससे, उसकी लिमिट उतनी ही कम है, ठीक है। तो जैसे BS 1 में आप देखोगे फर्स्ट सेल में 2.72 ग्राम पर किलोमीटर, ठीक है, ये जो पोल्यूटेंट के नाम लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और HCO और NOx, ये दिया हुआ है इन्होंने पर किलोमीटर। व्हीकल्स रन करता है तो 1 किलोमीटर में इतने ग्राम ये एमिट करने का इसकी लिमिट्स है, BS 1 के अकॉर्डिंग, BS 2 के अकॉर्डिंग इतना, BS 3 के अकॉर्डिंग। अब ये ऐसे कैटेगरी क्यों डिवाइड की गई, हर व्हीकल्स के लिए अलग होगी। अब मान लो एक कार है वो BS
3 उसकी लिमिट्स हैं, और एक ट्रक है तो उसकी BS1 लिमिट होगी। कार दोनों को आपस में कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, ट्रक तो कार के मुकाबले में ज़्यादा पोल्यूशन करेगा ही, तो इसलिए ये लिमिट्स है, ये ध्यान रखना है इसमें। ज़्यादा लिमिट्स का मतलब है BS का। एक सेकंड, ठीक है, तो आपका ये टेबल आप समझ गए होंगे, इसमें अलग अलग पोल्यूटेंट की अलग अलग लिमिट गई हुई है। और ये चीज़ जैसे मेन ध्यान रखने की बात है कि BS स्टैंडर्ड की वैल्यू बढ़ रही है, 2, 3, 4, उतना ही पोल्यूशन कम इमिट हो रहा है, उसकी लिमिट उतनी ही कम है। ठीक है, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि यूरो के अकॉर्डिंग जो है डीजल का ज़्यादा है आपका टॉक्सिसिटी, जो इमिशन हो रहा है पर किलोमीटर, और आपका पेट्रोल का कम है। तो इसमें याद करने वाली बात है, BS 2000 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, 1993 में उससे पहले और चीज़ें हो रही थी, और यूरोपियन रेगुलेशन जो है उसके स्टैंडर्ड से मैच खाता है, और BS की वैल्यू, स्टैंडर्ड की वैल्यू बढ़ती है तो पोल्यूशन कम होता है उसमें। अब यहाँ दिया हुआ है BS वर्सेस यूरो। BS स्टेज आर ऑफ द सम स्टैंडर्ड्स एज यूरो स्टेज इन टर्म ऑफ कॉजिंग पॉल्यूशन। यूरो 4 कार मेक सम पॉल्यूशन एज दैट ऑफ BS 4। कह रहे हैं कि अगर किसी कार का पोल्यूशन स्टैंडर्ड यूरो 4 है तो सेम एज होगा BS 4 के बराबर। ठीक है, वही बता ही दिया, उसी को फॉलो कर रहा है, सेम वही स्टैंडर्ड है इसके भी। तो डिफरेंसेस फ्रॉम द टर्म ऑफ टेस्टिक कंडीशन, थोड़ा सा डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो यूरोप में जो होता है जीरो टेम्परेचर तक किया जाता है, लेकिन जो आपका इंडिया में 24 to 28 डिग्री सेल्सियस तक टेस्टिंग होती है। स्पीड जो है यूरोप में आपका 120 किलोमीटर पर आवर में टेस्टिंग होती है, और जबकि आपका इंडिया में मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर उसके ऊपर रोड कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। ये नॉर्म्स हैं, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन फेस चार्ट है आपका, भारत वर्सेस यूरो नॉर्म्स। तो भारत नॉर्म्स आर लॉगिंग बिहाइंड द यूरो नॉर्म्स बाय 2 स्टेज इन द इम्प्लीमेंटेशन। हायर स्टेज मीन्स लेस पोल्यूशन। देखो यही बात मैं बार बार बोल रहा था कि हायर स्टेज मीन्स लेस पोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कार के आप इमेज देख रहे होंगे, उस कार के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है BS3, यानी कि BS3 का मतलब है इसका कम पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट व्हीकल है। मीटिंग दिस रेगुलेशन विल नीड लेटेस्ट ऑटो टेक्नोलॉजी, बेटर फ्यूल क्वालिटी और न्यू फ्यूल एडिक्टिव। अब इस चार्ट पेपर को आप समझो, देखो 1970 से 1962 तक प्री यूरो है, उसके बाद यूरो 1, यूरो 2, ये इम्प्लीमेंटेशन है। यूरो 2 व्हीकल्स हो गए, यूरो 3 व्हीकल्स हो गए, यूरो 4 हो गए, यूरो 5, यूरो 6, और फिर उसी तरह से इंडिया का है, जिसमें इंडिया का लैगिंग पीरियड आपको दिखाया हुआ है, 2005 से 14 में लैगिंग पीरियड है, क्योंकि BS3 और BS2, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, 3 से फिर 4, और 2 से 4, 3 है। तो यूरो के कंपेयर में हमारा जो भारत का जो BS था उसमें लैगिंग थी इस टाइम ड्यूरेशन में। इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, अब जो ऑटोमोबाइल से हमारा पोल्यूटेंट इमिट हो रहा है उसको कंट्रोल की 3 टेक्नोलॉजी याद रखना, ये आएगी एग्जाम में, पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी है? पहली जो यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसका मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल से नहीं है, जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है व्हीकल्स में उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है। फिर उसकी 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड टेक्निक है आपको कैटलिस्ट कन्वर्टर। कैटलिस्ट तो आप जानते हैं, बताया था, कैटलिस्ट वो चीज़ जो रिएक्शन को फास्ट कर देती है ना, या उसको कन्वर्ट कर, रिएक्शन करने में उसको मदद करती है, तो ऐसा कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा सकते हो। नैनो फ्यूल एडिक्टिव, तो 3 टेक्नोलॉजी आपको बिल्कुल रट लेनी है कि किसी भी ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन को, इमिशन को कंट्रोल करना है, तो 3 है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जिसके फिर 4 पार्ट हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एयर असिस्टेंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और आपके फिर है कैटलिस्ट कन्वर्टर, फिर है नैनो फ्यूल एडिक्टिव। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक इमिशन कंट्रोल टेक्निक
कह नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो मेरे को पहले ये बताओ, आप में से कोई गाड़ी, कार या कोई भी फोर व्हीलर को ड्राइव करता है? आती है ड्राइव करनी या करता है अभी भी? कोई है आप में से? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, कोई करता है फोर व्हीकल ड्राइव? कोई नो सर, नहीं करता। चलो सीख रहा है कोई? चलो कोई नहीं, सीख सुनो सुनो, मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जो मैं इसे बता रहा हूँ ना कि पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक भी उसे काउंट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ करता था जब मैंने ड्राइव, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ड्राइव कभी नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा फियर था ड्राइव का। तो मैंने कई जगह सीखी भी ड्राइव। तो इंडिया में क्या होता है कि ड्राइविंग या तो घर में कोई पहले से ड्राइविंग जानता है वो सिखा देता है, या फिर क्या होता है कि हम खुद ही प्रैक्टिस कर कर सीख जाते हैं, या फिर वो पैसे देके जो सिखाते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं सिखाते, वहाँ सीखते। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है प्रॉपर जहाँ पे एक मॉडल बना हुआ हो रेड लाइट का, चीज़ों का, ऐसा कुछ है पर इंडिया में मैंने देखा है दिल्ली में, पर वहाँ कोई सीखता नहीं है, काफ़ी महंगा होता है। तो नॉर्मल से इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ गाड़ी चलाना सीख लेते हैं या अपने घर में किसी से सीख लेते हैं। और लाइसेंस के लिए भी जब ड्राइविंग टेस्टिंग होती है तो वहाँ पैसे वैसे देके आपका लाइसेंस बन जाता है। तो इसमें पोल्यूशन की बात कहाँ आई मैं बताता हूँ। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी तो 1 साल तक मैं कॉलेज आता था गाड़ी चला के। तो आपको पता होगा कि गाड़ी में जो गियर्स होते हैं वो स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना। अगर आपके कम स्पीड पे ज़्यादा गियर डाल दोगे, ज़्यादा स्पीड पे कम गियर डाल दोगे, तो गाड़ी बंद भी हो जाती है, आवाज़ भी करने लग जाती है, और फ्यूल बहुत ज़्यादा जलता है, और उससे ज़्यादा फ्यूल जलता है तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, है ना। तो 1 साल तक मैं जब कॉलेज आना स्टार्ट किया था बाई कार, मैं कभी 4 फिफ्थ गियर में गाड़ी नहीं चलाता था। अगर कोई गाड़ी में बैठा है देखा होगा किसी ने, फिफ्थ गियर थोड़ा अलग, फिफ्थ गियर जो होता है थोड़ा अलग सा ही होता है ना, थोड़ा नीचे होकर के इधर को करके टेढ़ा सा करके करना होता है गाड़ियों में। जो 4 गियर होते हैं वो नॉर्मल अप डाउन होते हैं, लेकिन जो फिफ्थ गियर होता है वो अजीब सा होता है। तो उसको गियर डालने का मेरे अंदर फियर था, तो मैं फिफ्थ गियर डालता ही नहीं था, फोर्थ गियर पर चलाता था। कितनी भी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, 80 पे चल रही है, 100 पे चल रही है, फोर्थ गियर में, लेकिन आवाज़ करती थी गाड़ी, ठीक है। क्योंकि मेरे को डर था कि मैं फिफ्थ गियर पर डाल लूँगा तो फिर वापस कैसे लाऊंगा। होता है फियर लोगों में, होता है इंडिया में ऐसा होता है, क्योंकि हम प्रॉपर ड्राइविंग नहीं सीखते। तो एक दिन क्या हुआ, हम ग्रेटर नोएडा जा रहा था, और ग्रेटर नोएडा मेरे साथ जा रहा था निकुन सर, आप जानते होंगे निकुन सर को, भाई उनकी तो ऑब्जर्वेशन जानते हो, कितना ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी है। तो उन्होंने जब जाते वक्त चेक किया और आते वक्त मेरे से बोला कि असलम सर आप 4 फिफ्थ गियर नहीं डालते हो, और आज आप 5th गियर डाल के चलाओगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से 5th गियर डलवाया, और उसके बाद मैं आज तक बिल्कुल सही गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन 1 साल तक मैं 4th गियर तक ही गाड़ी चलाता था। तो फ्यूल मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये फ्यूल का, कि रोज़ आना जाना था गाड़ी में, इतने का पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, और हफ्ते में कितना ख़त्म हो गया, पूरा एक ऑब्जर्वेशन होती थी कि जब मैंने 5th गियर में डालना चलाना गाड़ी स्टार्ट किया, या फिर मैंने थोड़ी और ड्राइविंग स्किल अपनी बढ़ाई जिसमें कौन से गियर पे कितनी स्पीड पर गाड़ी चलानी चाहिए, तो उससे क्या हुआ ना, फ्यूल बचता है, ठीक है। और जो कम गियर पे या ज़्यादा गियर पे हम सही से गाड़ियाँ चलाते, फ्यूल प्रॉपरली कम्बशन नहीं होता, और फ्यूल ज़्यादा जलता भी है, और आपका पेट्रोल जल्दी ख़त्म हो जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, सर्विस नहीं कराओगे, हवा कम रखोगे, स्कूटी सेम आता था, हवा कम होती थी, तो फ्यूल जो 1 हफ्ते चलता था वो 5 दिन चलता था, 2 दिन एक्स पहले ख़त्म हो जाता था, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अगर इसको बड़े लेवल पे स्टडी सर्वे किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन आपका इमिशन होता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप कैसे किसी भी पोल्यूशन को ऑटोमोबाइल में कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते। तो एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मेरा छोटा भाई भी गाड़ी चलाता है, तो उसके चलाने मेरे चलाने में इतना फ़र्क है कि अगर 10 लीटर पेट्रोल डलवाएं हम दोनों में, तो उसके लिए वो 9 लीटर होगा, 1 लीटर वो एक्स्ट्रा खा जाएगा उसके गाड़ी चलाने के तरीके में। तो और ऐसी इंडिया में इतने करोड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, और उसमें मुझे लगता है कि 90% ड्राइवर इसी तरह के होते हैं। एक रेड लाइट पे गाड़ी ना बंद करना, ज़्यादा लंबी लाइट है तब भी चला चलाए ऑन रखते हैं क्योंकि एसी बंद ना हो जाए। तो ये भी एक रीज़न है, और ये भी एक इसमें ऐड होना चाहिए कि ड्राइविंग स्किल जो है इंडिया में
वो बढ़ानी चाहिए, उस पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राइविंग स्किल अगर सुधर जाएगी तो पोल्यूशन भी उसमें सुधरेगा। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक, एक चौथी टेक्निक एक्सपीरियंस से बता रहा था मैं, अब आगे चलते हैं। इंजन इफिशियंसी हैज़ बीन स्टीडली इम्प्रूव इंजन डिज़ाइन मोर, ये सबको आपको पता है कि डेली रिसर्च होती रहती है, कैसे हम ऐसा इंजन डिज़ाइन करें जो कम माइलेज ज़्यादा दे, मतलब कम पेट्रोल डीजल ऑयल में वो ज़्यादा किलोमीटर चले, पोल्यूशन कम एमिट करे, आवाज़ कम करे, ऐसे पर रिसर्च होती रहती है। तो एक तरीका है रिसर्च करने का, ठीक है, और क्या, इग्निशन टाइम जो उसको और मोर प्रिसाइज करने का, मोर प्रिसाइज फ्यूल मीटरिंग, कंप्यूटर इंजन, हर चीज़ प्रिसाइज होगी तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन रुकेगा। जैसे इसमें भी बोल रहा है फ्यूल मीटर प्रिसाइज होना चाहिए, हर चीज़ कंप्यूटराइज होनी चाहिए, सेंसर लगे होने चाहिए गाड़ियों में, तो फिर वो क्या कहते हैं उसमें पेट्रोल पोल्यूशन जो होगा कम इमिट होगा। अगर आप महंगी गाड़ियों की बात कर लें, बहुत महंगी फरारी या फिर आप ऑडी या कुछ गाड़ी आप उसमें कहोगे, सो उसमें तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़्यादा सेंसर, सब कुछ होता है, हाई टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसमें तो उतना ही पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नहीं, पॉल्यूशन उसमें कम होता है। ठीक है, जितनी भी एक्सपेंसिव कार हैं उनमें पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन क्या होता है उनकी पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका माइलेज कम होता है ना। अब तुम एक नॉर्मल गाड़ी है और एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, दोनों 100 किलोमीटर ट्रेवल करेंगी, तो जो एक्सपेंसिव गाड़ी है उसमें जो पोल्यूशन एमिट हो रहा है वो लेस हो रहा है, लेकिन वो फ्यूल ज़्यादा खा रही है, 100 किलोमीटर में वो बहुत ज़्यादा फ्यूल खा लेगी, तो फिर वो उससे भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई जो नॉर्मल गाड़ी है। रीज़न केवल ये है कि उसमें ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन है, ज़्यादा स्पीड लिमिट है, जिसकी वजह से तो फ्यूल ज़्यादा खाती है। ठीक है, मोर इफिशेंसी मोर पावर लेस एमिशन बिकॉज ऑफ द बेटर कंपेंशन ऑफ प्रोसेस एफिशेंसी ऑफ एयर फ्यूल। अब इसमें एक चीज़ है कि कोई भी फ्यूल बर्न कैसे होता है, उसे बर्न होने के लिए एयर चाहिए होती है, और एयर क्यों चाहिए होती है, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे जिस जगह पर जिस चैम्बर में हमारा गाड़ी के अंदर फ्यूल बर्न होता है वहाँ पे हमें एयर भी चाहिए। ठीक है, अब एयर अगर ढंग से वहाँ ना जा पाए, एक लिमिट से ज़्यादा या एक लिमिट से कम होगी, तो वो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, है ना। कोई एक ऐसा सेंसर अगर हम लगा दें, कोई ऐसी टेक्निक अगर हम लगा दें जो एयर को उस फ्यूल के अंदर मिक्स करे मतलब सही इफिशियंस तरीके से और बेस्ट प्रोपोर्शन में, तो भी हमारा पोल्यूशन एमिशन कम हो सकता है। एडवांस इन इंजन एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ एग्जॉस्ट लीविंग द इंजन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है ना, ये वही सेंसर की बात हो रही है कि एक तो टैंक होता है जिसमें आपका फ्यूल फिल कराते हो पेट्रोल पंप पे, उस टैंक से जहाँ पे बर्न होता है फ्यूल वहाँ पे फ्यूल जाता है। तो कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो उसको बहुत बेस्ट तरीके से इंजेक्ट करे, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं गाड़ी में तेल कैसे डाले, नहीं, गाड़ी के अंदर जो तेल है उसको इंजन तक कैसे पहुँचाएँ, कुछ ऐसी टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से, जितनी ज़रूरत है उतना फ्यूल वहाँ पे पहुँचे बर्न होने के लिए, साथ में एयर का कॉम्बिनेशन भी उतना ही पहुँचे जिससे बढ़िया तरीके से आपका वो बर्न हो जाए। टेक्नोलॉजी टू डिटॉक्सी एंड एग्जॉस्ट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इमिशन कंट्रोल कैटलिस्ट कन्वर्टर। अब कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या होता है, कैटलिस्ट जो आपके पोल्यूटेंट को कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम कैटलिस्ट कन्वर्टर कहेंगे, जहाँ से हमारा पोल्यूशन एमिट हो रहा है वहाँ पे हम कुछ ऐसा करें कि वहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट या कुछ डिवाइस में कैटलिस्ट के साथ यूज़ करें, जिससे हमारे जो टॉक्सिफाई हैं उनको डिटॉक्सिफाई हम कर दें। फ्यूल विच कंटेन स्पेशल नैनो पार्टिकल एंड डिटॉक्सिफाई एग्जॉस्ट विदाउट एनी स्पेशल डिवाइस। ठीक है, नैनो फ्यूल एडेक्टिव, कुछ नैनो फ्यूल हम एडेक्टिव, कुछ ऐसी चीज़ें हम, जैसे आप जानते हो ना कि एड वेड आते हैं कि क्या कहते हैं कि आप अपने फ्यूल में इस चीज़ को ऐड कीजिए तो आपका इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी और आपका क्या कहते हैं आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, कुछ आते हैं ना, मेरे को नॉलेज नहीं है उस बारे में,
कुछ रखे होते हैं वो, कुछ क्या कहते हैं केमिकल्स जिनको हम मिला के ऑयल्स में डलवाते हैं अपने इंजन में, ठीक है, वो भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम द पेट्रोल इंजन, वही चीज़ है आपका। मल्टी पॉइंट क्या हो गया, आपका मल्टी पॉइंट की मल्टी जगह से आपको फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हो उस चैम्बर में, ठीक है। देखो क्या रहा, कार्बोरेटर एंड SPFI वाज नॉट एबल टू डिलीवर यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर टू डिफरेंट सिलेंडर, सो MPFI टू सप्लाई प्रॉपर रेशियो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर टू द सिलेंडर बाय इलेक्ट्रिकली इंजेक्टेड फ्यूल अकॉर्डिंग टू वेरियस ड्राइविंग कंडीशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वो जो मिक्सचर है एयर का और फ्यूल का, उसको पहुँचाने के लिए कोई इलेक्ट्रिकली इंजेक्टिंग फ्यूल सिस्टम हम लगा रहे हैं, वो भी वेरियस ड्राइविंग कंडीशन। मोर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी सप्लाइड इन दिस इंजेक्शन सिस्टम, एज द रिजल्ट कंप्लीट कंबशन विल टेक प्लेस, द लीड इफेक्टिव यूटिलाइजिंग द फ्यूल सप्लाई एंड हैंस लो एमिशन लो फ्यूल, ठीक है। मेन एम जो है इसमें हमारा, जो आपका इंजेक्शन सिस्टम है, ये इसमें मेन एम हमारा है कि हम कैसे फ्यूल को कम्प्लीटली कम्बस्ट करें जिससे हमारा एमिशन लेस हो। फ्यूल वाज डिलीवर्ड आउटपुट सिलेंडर जस्ट अपस्ट्रीम और इनटेक वेल दैट सिलेंडर, टाइप ऑफ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजन, MPFI क्या है आपका, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फॉर ऑल सिलेंडर टूगेदर सिमल्टेनियसली, फॉर ए ग्रुप सिलेंडर बैचेस, फॉर ईच सिलेंडर सिक्वेंटली अकॉर्डिंग ईच वन इनटेक स्ट्रोक सिक्वेंस। कुछ इस तरीके से डायग्राम है, देखो एयर फ्लो हो रही है, वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ECU है, इंजेक्शन कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पे इंजेक्टर है, गैसोलाइन है, इंजेक्शन इंजन इंजन ERP है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। ये आप क्या कर रहे हैं इसमें, फ्यूल के और एयर के मिक्सचर को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, कोई सेंसर हो सकता है, कोई चिप हो सकती है, कुछ ऐसा डिवाइस हो सकता है जो उसके मिक्सर को एक अच्छे प्रपोर्शन में आपका चैम्बर तक जहाँ पे बर्न होता है फ्यूल वहाँ तक पहुँचाए। गैसोलाइन डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम GDI फॉर पेट्रोल इंजन, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन यानी फ्यूल डिलीवरी टेक्नोलॉजी डेट अलाउज गैसोलाइन इंजन टू बर्न फ्यूल मोर इफिशेंटली, रिजल्ट मोर पावर क्लीनर इमिशन, इंक्रीज द फ्यूल इकोनॉमी। एंड डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम द एयर एंड गैसोलाइन आर नॉट प्री मिक्स, एयर कम्स वाया इनटेक मैनिफोल्ड वाइल द गैसोलाइन इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द सिलेंडर। कंबाइंड विद अल्ट्रा प्रिसाइज कंप्यूटर मैनेजमेंट, डायरेक्ट इंजेक्शन अलाउ मोर एक्यूरेट कंट्रोल एंड फ्यूल मीटिंग इंजेक्टिंग। देखो इसमें इसकी इसको जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो ओवरऑल जो टॉपिक है आपका सिलेबस है, वो है कि कैसे हम ऑटोमोबाइल में से जो पोल्यूशन इमिशन हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो पहले आपको बताना होगा कि ऑटोमोबाइल में से कौन कौन से पोल्यूशन एमिट होते हैं, ठीक है, ये बताना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कंट्रोल टेक्नोलॉजी। कंट्रोल टेक्नोलॉजी में आपका वही हो गया, आपके तीन जो बताए थे, ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन है उसके भी चार पार्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उन तीनों को आपको डिफाइन करना होगा। फिर इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये व्हीकल्स में हमारा ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये ऑटोमोबाइल्स की PPT है। हाँ, तो याद रखना जो हमारा फर्स्ट आपका जो कंट्रोल टेक्निक है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन, और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम उसको आप, उसकी डेफिनेशन आपको समझ जानी है बस। उसके बाद सेकंड आता है कैटलिस्ट, फिर उसको समझना है आपको, फिर थर्ड वाला समझना है। तो ये डिटेल में जो दिया हुआ है आपका व्हीकल्स के बारे में, उसके डिवाइस के बारे में, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आता है कैटलिस्ट कन्वर्टर, ठीक है। जैसे इसके पॉइंट्स लिखे हैं इसको याद कर लेना है, वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक एमिशन का याद कर लेना है, इतना इतना आपको याद करना है। तो कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या कह रहा था, यूज ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टर लीड ऑफ ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ CO, HO, NOx। द कैटलिस्ट कन्वर्टर इज अ डिवाइस फिट इनटू द फ्रंट पार्ट ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम एज क्लोज एज द फिजिकल पॉसिबल टू द इंजन, इट वर्क कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रिसाइज मेटल। कैटलिस्ट कन्वर्टर इज कंस्ट्रक्टेड टू व्हिच आर नॉट, सिंपली ये समझो कि जो पोल्यूशन निकल रहा है आपका गाड़ी में से, क्या हम कोई ऐसा डिवाइस लगा दें जिससे वो कन्वर्ट हो जाए हमारे किसी कम पोल्यूटेंट में, नॉन पोल्यूटेंट एलिमेंट्स में, ठीक है।
कैटलिस्ट का काम यही तो होता है, ठीक है। तो ये वही बता रहा है, इट वर्क विद कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेसिजियस मेटल कैटलिस्ट। द कन्वर्टर इज कंस्ट्रक्ट ऑफ केस ऑफ विच हाउस नॉर्मली सेरेमिक कॉम मोनोलिथ एंड द इंटरनल सरफेस विच लोकेट इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंड वेज ऑफ दिस मोनोलिथ विजुअल सिमिलर ड्रिंकिंग स्ट्रो एंड हंड्रेड्स ऑफ फ्लो चैनल टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू गैस कम्स कॉन्टैक्ट एंड कैटलिस्ट मटेरियल। कैटलिस्ट कन्वर्टर आर द टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट वर्क, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट एंड रिडक्शन कैटलिस्ट, ठीक है। जो हमारा कैटलिस्ट कन्वर्टर है दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है। अगर हम CO को ऑक्सीडाइज कर दें तो CO2 निकलेगा, जो CO से कम हार्म है, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, तो रिडक्शन भी कर सकते हैं इसे। तो कैटलिस्ट से पहले तो जो पोल्यूशन निकल रहा है ना, वो कैटलिस्ट से मिक्स होना चाहिए, उससे स्ट्राइक होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा डिवाइस बनाएंगे हम कि वहाँ से होके निकले पोल्यूशन, और जहाँ वहाँ से होके निकलेगा तो कैटलिस्ट अपना कन्वर्ट करेगा, काम करेगा और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और जितना हो सकता है उसको कन्वर्ट करेगा। कैटलिस्ट कन्वर्टर मिनिमाइज करता है पोल्यूटेंट को, ना कि पूरा फिनिश करता है, मिनिमाइज करता है। या तो वो ऐसी गैसेस में उनको कन्वर्ट कर देगा जो उस गैसेस से कम हार्मफुल होगी, और कम जो कम हार्मफुल होगी, या फिर ऐसी गैसेस में कन्वर्ट कर देगा जिनको फिर इजीली रिमूव या फिर दूसरे डिवाइस से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें बस कुछ भी ये फिगर मत देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका एग्जॉस्ट होती है गैस, तो यहाँ पे कैटलिस्ट लगाया हुआ है बीच में, बस इतना सा ध्यान दे लो इसमें। रिडक्शन कैटलिस्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज प्लेटेनियम एंड रोडियम टू हेल्प रिड्यूस द NOx इमिशन, सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए वो प्लेटेनियम रोडियम की हेल्प लेता है। व्हेन NO एंड NO2 मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट विद द कैटलिस्ट रिप द नाइट्रोजन एटम आउट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड होल्ड ऑन टू फ्रीइंग द ऑक्सीजन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ O2। देख रहे हो, इसमें ये जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं प्लेटेनियम रोडियम, ये क्या करते हैं, NO2 में से O2 को निकाल देते हैं, ठीक है। अगर O2 को निकाल देंगे तो बेस्ट है, हमारे पास ऑक्सीजन मिल रहा है, और फिर रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन बच रहा है, एलिमेंट्री नाइट्रोजन। और एलिमेंट्री नाइट्रोजन तो होता ही है हमारे में सबसे ज़्यादा 70 के लगभग परसेंटेज में एयर में। तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन एटम एंड स्टक कैटलिस्ट एंड फॉर्म N2, देन N2 फिर आपका दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलके N2 और 2O2 निकालता है। ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में क्या होता है, जो मैंने बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। द सेकेंड स्टेज ऑफ द कैटलिस्ट कन्वर्ट रिड्यूस द अनबर्न हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाय बर्निंग ऑक्सीडाइज देमसेल्फ प्लेटिनियम पैलेडियम कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट एट द रिएक्शन ऑफ CO एंड CO रिमेनिंग ऑक्सीजन एग्जॉस्ट इन द गैस, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड, जिसमें आपका कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज कर रहे थे। और कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या होता है, दो टाइप के, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेशन। रिडक्शन में हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड में से, और ऑक्सीडाइजेशन कैटलिस्ट में से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये आपका एक रह गया है शायद इसमें, है ना, इस PPT में नहीं है गिवन, नैनो फ्यूल एडिटिव, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, नैनो फ्यूल एडिटिव। ठीक है, 27 प्रेजेंट है, किसी का कोई डाउट कुछ पूछना है, कोई सवाल तो बताओ।